धन अर्थात पैसा। पैसा एक ऐसा चीज है जो हर इंसान को चाहिए, लेकिन आपको जो जीवन मिला है वह अनंत ऊर्जा जो है इस पैसे से भी बहुत बड़ा है। इसलिए मैं यह उपाय उन लोगों के लिए बता रहा हूँ या बना रहा हूँ जिसे बहुत ज़्यादा पैसा ही या फिर पैसे की बहुत ज़रूरत रहती है। यह 100% गारंटेड कार्य करता है, क्योंकि चीज़ें जो है सत्य में जब हो जाता है तो सत्य जो है प्रमाणित भी हो जाता है। वैसे देखिए, मानव जीवन जो मिला है वह बहुत ही अनमोल मिला है, क्योंकि शरीर तो आपको छोड़ना ही है। अब असल में आप ऊर्जा हो, जब ऊर्जा जिस चीज़ में जिस क्षेत्र में लग जाता है यह जीवन वैसा ही बन जाता है। अगर आप इस ऊर्जा को आप पैसे में लगाएंगे तो पैसा एक समय बाद आ ही जाएगा। अगर इस ऊर्जा को आप नाम या फिर और कुछ कमाने में लगाएंगे तो उसमें भी लगेगा। अगर आप इस जीवन की ऊर्जा को सेवा में लगाएंगे तो आपका नाम भी चलेगा। तो वैसे भी धन तो सबको चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा धन का मैं तो मायने नहीं रखता जीवन में। सिर्फ मेरा अपना अलग सोच है पर्सनल, लेकिन जिसको वाकई में धन की ज़रूरत है उसके लिए यह उपाय है। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि इस जीवन में आप सबसे पहले हो कौन चीज़, क्या चीज़ है और धन आपके पास आएगा कैसे। तो सबसे अहम चीज़ है कि आपका जो पहचान है वह शरीर के साथ है, जबकि शरीर आप होने और यह प्रमाणित है, क्योंकि अगर शरीर आप रहते तो यह छूटता नहीं, हर किसी का छूटना तय है। तो मूल रूप से आप एक ऊर्जा हो, एक शक्ति हो, यही ऊर्जा को आपको उस पैसे के साथ कनेक्ट करना है। अब इसका प्रोसेस जो होता है उसे आप कैसे कनेक्ट करेंगे और किस तरह से आप पैसे को अपने पास खींचेंगे यह बताता हूँ। तो सबसे पहले चीज़ इस रहस्य को समझिए कि इस दुनिया में कोई भी चीज़ आपको पाना होता है तो उसके लिए बैठना जरूरी है। अगर आप काम करके या फिर मेहनत करके सिर्फ पैसा कमाऊंगा सोचोगे तो गुजारा तो हो जाएगा, यह जीवन का बहुत अच्छा रहस्य है। लेकिन जिसको बहुत ज़्यादा धन का ज़रूरत रहता है, वैसे ज़्यादा धन तो मेरे हिसाब से मायने नहीं रखता, जीवन को हंसी खुशी और थोड़े बहुत धन से गुजारना चाहिए। लेकिन जब चाहिए चाहिए आपको पैसा तो आपको अकेले में बैठना होगा, जिसे हम साधना कहते हैं। साधना जो है आपको एक केंद्र बिंदु में ला करके टिकाता है, उस जगह पे लाता है जहाँ पे आप वाकई में एक्चुअल में जो चीज़ आप हो। जैसे कि आप जब अकेले में बैठोगे तो शुरू में आपको बहुत बोर लगेगा, मन बेचैन करेगा, मोबाइल पकड़ लूँ, इधर चले जाऊँ, टाइम पास करने के लिए घूमने चले जाऊँ, ऐसा लगेगा। लेकिन जब आप धीरे धीरे बैठने का आदत बनाएंगे, उसके बाद आप ध्यान लगाएंगे सिर्फ पैसे में, पैसे के ऊपर जब आपका ध्यान जाना शुरू हो जाएगा धीरे 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 धीरे, तो वह एक तरह से आपके माइंड में सेट भी हो जाएगा। और सेट होने के बाद आपको डेली प्रतिदिन सुबह शाम, और इसका समय भी ध्यान रखिएगा, सुबह सुबह 5 से 6, शाम को 6 के आसपास जरूर बैठिएगा, और पानी जरूर रखिएगा अपने पास, क्योंकि पानी की जो तीव्रता है किसी भी वस्तु को खींचने की, किसी भी चीज़ को आकर्षित करने की, वह जो है उसके वाइब्रेशन के बराबर और कोई चीज़ नहीं कर सकता। सबसे ज़्यादा फास्ट पानी ही काम करता है। तो पानी को अपने पास रख के सिर्फ पैसे को सोचना है। आप सोचोगे, सोचने बस से संभव तो कैसे होगा वो बता रहा हूँ। सोचोगे जब तो आपका जो माइंड में जब ये चीज़ सेट हो जाएगा पैसा जो है, तो जो आपका जो क्रियाकलाप होगा, जो आपका कर्म होगा, जो आपका दिनचर्या होगा, वो उसी हिसाब से सेट होना शुरू हो जाएगा। आपका माइंड पैसे की ओर भागेगा, आपको जो ऊर्जा है, जो अनंत शक्तियां हैं, जो ब्रह्मांड की ऊर्जा है, वह आपको पैसे की तरफ धकेलना शुरू करेगा। जब आप पैसे की तरफ धीरे 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 धकेलना शुरू हो जाएंगे तो एक समय बाद ऐसा आएगा कि जो आप चाहते हो उससे कई लाख गुना पैसा आपको प्राप्त होगा। लेकिन इसके लिए आपको साधना में बैठना जरूरी है, क्योंकि जिसके साथ भी आपको संबंध बनाना है, जो भी चीज़, चाहे पैसा हो, चाहे आपको जीवन ऊर्जा हो, चाहे नाम कमाना, उसके लिए आपको बैठना जरूरी है। बिना साधना किए आप सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकते, अर्थात उस वस्तु को प्राप्त नहीं कर सकते। एक समय बाद ऊपर उठेंगे तब वह वस्तु आपका दास